अगर आप बैटरी यूजर हैं, लेड एसिड बैटरी यूजर हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी बैटरी से डिसअपॉइंट होंगे कि हर बार हर तीसरे महीने चौथे महीने में उसमें वाटर टैपिंग करनी है, बैटरी के टर्मिनल पे सल्फेट साफ़ करना है, बैटरी दो साल में तीन साल में अगर आप हैवी यूज करते हैं तो आपको बैटरी बदलनी पड़ती है, बार बार पैसे डालने पड़ते हैं। तो मार्केट में अभी नया आया भी है, लिथियम आयन बैटरी इंट्रोड्यूस हुई हैं जिसके लिए दावा किया जाता है कि बैटरी 10 से 15 साल चलेगी, तो बहुत सारे लोग उसको लेने का प्लान कर रहे होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लिथियम आयन बैटरी को खुद बनाने और अपने घर पर लगाने का प्लान कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने घर पर लिथियम आयन बैटरी बनाना चाहते हैं तो कौन सी बैटरी आपको बनानी है, कैसे बनानी है, और लिथियम आयन बैटरी को आप अपने सोलर इन्वर्टर में या नॉर्मल इन्वर्टर में अगर यूज करते हैं तो उसका कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप शॉक्ड हो गए होंगे कि मैं बोल रहा हूँ नहीं मिलने वाला है, मैं तो लिथियम आयन की तरफदारी करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा आपको कि आपको कौन सी बैटरी लेनी चाहिए और कौन सी बैटरी लेने पे आपका नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक मिनट में मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि नेक्सस अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया के हर कोने में बना रहे हैं। नेक्सस इंडिया की सबसे ज़्यादा इनोवेटिव कंपनी है जो कि अपने क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए जानी जाती है। तो अगर आप कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप हमारी कंपनी के चैनल पार्टनर प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और एक अच्छी खासी कमाई आप कर सकते हैं। इसी के साथ, अगर आप महिला हैं या आपके घर में परिवार में कोई महिला है, कोई बच्ची है पढ़ी लिखी है और अपना उसको जॉब करना है, तो सेल्स मैनेजर के लिए हमारे यहाँ बुलंदशहर ऑफिस पे रिक्वायरमेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं उन पर कॉल कर सकते हैं, तो जॉब ऑफर भी आप लोगों के लिए है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कर लेते हैं शुरू। अब बात यह कि लिथियम आयन बैटरी जो है वो क्यों ख़राब है और क्यों आप लोगों को नहीं लेनी चाहिए। तो लिथियम आयन बैटरी को अगर आप समझेंगे तो लिथियम आयन बैटरी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि लिथियम आयन जो बैटरी है वो कितनी तरह की मार्केट में अवेलेबल है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ लिथियम आयन बैटरी का मैक्सिमम यूज होता है जिससे कि मैक्सिमम एडवांटेज आप लोगों को मिलते हैं। तो अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन देखेंगे तो मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको दो तरह की बैटरी देखने को मिलेगी, या तो लिथियम पॉलीमर बैटरी आपको देखने को मिलेगी या फिर आपको लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलेगी। तो लिथियम पॉलीमर जो बैटरी है वो ऐसा है कि आप उसका साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, वो लाइट वेट है, अच्छी बैटरी है। मोस्टली अच्छी फ़ोन्स में आपको लिथियम पॉलीमर बैटरी ही देखने को मिलेगी, पर बहुत सारे फ़ोन्स में आपको लिथियम आयन बैटरी भी देखने को मिलेगी। जैसे कि आप अपने लैपटॉप में अपने में देखते हैं तो लैपटॉप की अगर बैटरी खोलेंगे तो उसमें आपको छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स दिखेंगे, वो लिथियम आयन के सेल्स होते हैं। लिथियम पॉलीमर की कंपैरिजन में ये जो लिथियम आयन बैटरी है थोड़ा हैवी होती है। तो लिथियम पॉलीमर का तो लोग डोमेस्टिक यूज़ नहीं करते हैं। डोमेस्टिक अगर आप सेल खरीदने जाएंगे तो आपको दो तरह के सेल मार्केट में देखने को मिलेंगे, या तो लिथियम आयन या फिर लिथियम फेरोफॉस्फेट। तो लिथियम आयन जो सेल है उसकी जो पहचान है वो ये है कि 3.7 वोल्ट का सेल है और आपको 2000 mAh से लेके आपको 2800 mAh तक इसकी कैपेसिटी मिल जाएगी। अब इंडिया में कई तरह की कंपनियों के सेल मिलते हैं, LG सैमसंग का भी आपको मिल जाएगा, चाइनीज़ में बेक कंपनी का आता है, काफ़ी रिलायबल माना जाता है। अब ये जो सेल है बेसिकली अगर इसकी प्रॉपर्टी देखें तो सेल जो है ये साइज़ में बात करें तो साइज़ में पतला है, लंबा है, पतला है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि 3.7 वोल्ट का ये एक सेल है। अगर हम चार सेल को सीरीज करते हैं तो 3.7 × 4 अगर आप करेंगे तो लगभग 14 वोल्ट से ऊपर का आपका एक जो है वो सीरीज़ बन जाएगी। इसी तरह आप अपनी बैटरी बना सकते हैं। तो अगर आपने बैटरी बनाई इस वाले सेल से तो आप देखेंगे कि 14.5 वोल्ट की आपकी बैटरी बन जाती है। पर इसमें अगर आप AH की बात करेंगे तो AH आपको कम मिलने वाले हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 2200 से लेके 2800 mAh का सेल ही आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो अब इस
सेल से, ये लिथियमाइन सेल है, अब इस सेल से आपने अपने घर की बैटरी बना ली। अब बात ये है कि ये बैटरी क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो फ्रेंड्स ये जो बैटरी है ये इसलिए नहीं लेनी चाहिए आपको क्योंकि ये बैटरी जो है ये पावर बैटरी है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 14 वोल्ट से ज़्यादा बैटरी में बन जाएंगी। आपकी जो नॉर्मल बैटरी है, जो आपकी इन्वर्टर बैटरी है, वो कितनी है, वो है आपकी 12 वोल्ट। चार्जिंग के टाइम पर कितनी जाती है, 14.8 वोल्ट। डिस्चार्जिंग के टाइम पर कितना रहता है, 10.5 वोल्ट। पर अगर आप लिथियम आयन बैटरी की बात करेंगे तो लिथियम आयन जो बैटरी है उसकी जो नॉमिनल वोल्ट ही आपको मिलेगा वो मिलेगा 14 वोल्ट। तो बैटरी आपकी, अगर आप इन्वर्टर बैटरी में उसको यूज करते हैं तो बैटरी जो है वो आपका जो इन्वर्टर है वो 14.8 वोल्ट पर कट कर देगा। इसका मतलब आपकी बैटरी मैक्सिमम चार्ज हो ही नहीं पाएगी। तो जब बैटरी आपकी फुली चार्ज नहीं हो पाएगी तो बैटरी का आप बैकअप भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं इसी में हम, कि ये जो बैटरी है लिथियम आयन की, इसका जो लाइफ साइकिल होता है, मतलब कि कितनी बार आप इस बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज कम्प्लीटली कर सकते हैं, वो होता है 1000 टाइम्स का। मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 1000 बार की बोलते हैं, कभी 1000 बार का जो है आप बैटरी को हमारी को चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब बात यह है कि जो लेड एसिड बैटरी है आपकी, ट्यूबलर बैटरी है, उसका भी 700 साइकिल का जो लाइफ होता है। तो 700 साइकिल और 1000 साइकिल, मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर अगर पैसे की मैं बात करूं तो जस्ट डबल कॉस्ट हो जाती है। मतलब 300 साइकिल ज़्यादा लेने में आपकी जो कॉस्ट है वो जस्ट डबल हो जाएगी। मतलब कि आप 150 AH की बैटरी अगर आपकी है 10,000 रुपये की, तो 150 AH के बराबर की अगर आप लिथियम आयन की बैटरी बनाएंगे तो करीब 80 AH या 90 AH की आपको बैटरी बनानी पड़ेगी, वो आपको पड़ेगी 20,000 रुपये की। मतलब उतने ही बैकअप लेने के लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो जस्ट डबल डालना पड़ा। तो कोई फ़ायदा नहीं, अगर कॉस्ट वाइज बात करें तो कोई फ़ायदा नहीं। लाइफ 300 साइकिल ज़्यादा मिल रही है हमें, पर कॉस्ट जो है वो जस्ट डबल डालनी पड़ रही है इसके अंदर। तो ये वाली जो सेल होता है ये थोड़ा सा, अगर इसको थोड़ा सा भी मिसहैंडल किया गया या एक हाई टेम्परेचर पर ये सेल चला जाता है तो सेल को फटने की संभावनाएं भी होती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि ई व्हीकल में ये वाली जो बैटरी है वो फट गई, वो लिथियम आयन की ही बैटरी होती है। थोड़ा सेफ्टी वाइज भी जो लिथियम आयन सेल है वो बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। तो इसलिए अगर आप डोमेस्टिक अपने घर पे लिथियम आयन बैटरी का बनाने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा। अब बात यह है कि आप, अगर आपको घर के लिए लेनी है तो लिथियम में क्या बैटरी आप ले सकते हैं, तो लिथियम में अगर आपको लेनी है तो लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी आपके घर के लिए जो है वो ठीक है। अब इस सेल की पहचान यह है कि 3.2 वोल्ट का एक सेल होगा और जो पावर होगी इसकी 5000 से लेकर 6000 AH होगी। तो अब अगर हम बात करेंगे बैटरी को कि अब हमारा जो है वोल्टेज वो कितना बन जाएगा, चार सेल को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जो वोल्ट बनेगा वो करीब 12.8 वोल्ट बनेगा और हमारी जो बैटरी होती है नॉर्मल बैटरी होती है वो होती है 12 वोल्ट की। तो क्या है कि उसके आसपास ही है, तो जो लिथियम के इन्वर्टर्स हैं उनमें ये वाली सेटिंग डालना बहुत आसान काम होता है कि लिथियम अगर आपने लगा रखी है तो लिथियम के हिसाब से वो वर्क करने लगे, और अगर आपने लेड एसिड बैटरी लगा रखी है तो लेड एसिड के हिसाब से वर्क करने लगे। तो ये बहुत मतलब इजी हो जाता है क्योंकि आपकी जो बैटरी का वोल्ट है वो नॉर्मल लेड एसिड बैटरी के वोल्ट के लगभग आसपास ही रहता है। पर जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है आपका या आपका सोलर इन्वर्टर भी है तो वो आपकी बैटरी को चार्ज करेगा 14.4 वोल्ट तक या 14.5 वोल्ट तक। पर ये बैटरी की जो मैक्सिमम चार्जिंग है ये इसको चाहिए 13.8 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर पे इसको लगा देंगे तो बैटरी आपकी ओवरचार्ज हो जाएगी। अब डिस्चार्ज की बात करें तो आपका जो नॉर्मल इन्वर्टर है वो डिस्चार्ज करता है आपकी बैटरी को 10.5 वोल्ट तक, पर ये बैटरी जो मैक्सिमम जाती है डिस्चार्ज में वो जाती है 9.8 वोल्ट तक। इसका मतलब है कि नॉर्मल इन्वर्टर पर अगर आप ये बैटरी यूज़ करते हैं तो, या आप सोलर इन्वर्टर पर भी ये बैटरी यूज़ कर रहे हैं, तो बैटरी आपकी मैक्सिमम जो है जहाँ तक उसको मैक्सिमम बैकअप आपको मिलना चाहिए कि 9.8 वोल्ट तक डिस्चार्ज होनी चाहिए, वहाँ तक आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इस बैटरी को यूज़ करने के लिए आपको लिथियम आयन का इन्वर्टर चाहिए या लिथियम कंपैटिबल आपको इन्वर्टर चाहिए। तो इस बैटरी को अगर आप लिथियम फेरोफॉस्फेट को आप यूज़ कर रहे हैं या लिथियम आयन को भी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके कंपैटिबल जो PCU है उसी के साथ में आप इस बैटरी को यूज़ करेंगे तो आपको बैटरी के मैक्सिमम एडवांटेज मिलेंगे। अब जो लोग खुद से बैटरी बनाते हैं, लिथियम आयन की बैटरी बनाते हैं, या कुछ लोग चाहते हैं कि भी मैं खुद से बना लूँ, बहुत सारे आपने YouTube पे वीडियोस भी देखे होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप फैक्ट्री लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स कि सबसे पहली जो दिक्कत है वो है अवेलेबिलिटी की। जो इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो सेल अवेलेबल है वो मैक्सिमम चाइना से ही अवेलेबल है, और ये टेक्नोलॉजी चाइना में बहुत पहले आ गई थी। तो चाइना वाले इतने स्मार्ट हैं कि माना लिथियम आयन का ही सेल है तो कुछ एक साल उन्होंने अपने यहाँ पे यूज कर लिया, उसके बाद में उसका जो ऊपर का कवर है, ऊपर का कवर उन्होंने चेंज किया, नया कवर लगाया और आप लोगों को दे दिया। क्योंकि लिथियम आयन की जो है वो लाइफ ज़्यादा होती है,
तो यहाँ पे इंडिया में आने की बात भी, वो बैटरी कई कई साल चल जाती हैं। अब बहुत सारे जो वेंडर हैं या बहुत सारे जो इम्पोर्टर हैं, वो अपने लालच के चक्कर में, क्योंकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, वो उस उन सेल्स को ख़रीद लेते हैं और इंडिया में उस सेल्स को थोड़ा कम दाम पे उनको बेच देते हैं। अब चूंकि आपको रोज़ तो बैटरी बनानी नहीं है, ना तो आपको रोज़ वो काम करना है, तो आपको ये जानना कि वो बैटरी ए ग्रेड है, उसका सेल बी ग्रेड है, यूज्ड है, कितना यूज्ड है, वो आपके पास ना तो उसके लिए आपके पास मशीनरी है चेक करने के लिए, ना आपके पास IR टेस्टर है, और ना ही उतना सेफ्टी से आप उस बैटरी को बना पाते हैं, और ना ही आपके पास में उतना कोई रिसोर्सेस होते हैं कि आप उस बैटरी को फाइंड आउट कर लें कि बैटरी कितनी चली हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप खुद से बैटरी बनाना चाहते हैं और ए ग्रेड सेल चाहते हैं, तो फिर आप एक किसी भी जेन्युइन रेपुटेड कंपनी से ही आप सेल बाई कीजिएगा, और मार्केट के नॉर्मल वेंडर से अगर आप इस बैटरी को बाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप बी ग्रेड या सी ग्रेड का सेल भी बाई कर लें। अब इसमें भी जो बैटरी है ये लिथियम फेरोफॉस्फेट की, ये 3C होती है, और ये सी का क्या मतलब है बैटरी में, उसके लिए एक मेरा प्रीवियस वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा। और जो मैं लिथियम आयन की बैटरी बता रहा हूँ, वो 5C तक भी मिल जाती है आपको। तो चूंकि हमें एक हाई करंट चाहिए, और हाई करंट हमें चाहिए कहाँ, हमें EVs में चाहिए, हमारी स्कूटी के लिए हमें हाई करंट चाहिए, या हमारे पास गाड़ी है उसके लिए हमें हाई करंट चाहिए। तो अगर आप EVs में जा रहे हैं और आपको एक हाई करंट की आपको रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए कि भाई मेरी गाड़ी में ज़बरदस्त पिकअप हो और बेहतरीन मेरी पेट्रोल की तरह गाड़ी परफॉर्म करें, तो फिर आप वहाँ पर लिथियम आयन का सेल यूज कीजिएगा। लिथियम आयन के सेल्स की पावर जो है वो ज़्यादा होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वहाँ के वोल्टेज बैटरी में ज़्यादा होते हैं और MH कम होता है, तो इसका मतलब आपको हाई वोल्ट एक शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ पर मिल जाता है। तो EVs में आप लिथियम आयन का सेल यूज कीजिएगा, पर अगर आपको डोमेस्टिक यूज करना है, आपके घर पे यूज हो रहा है, आपको कोई हाई करंट नहीं चाहिए घर पे, घर पे आपको एक रेगुलर करंट चाहिए, आपका फ्रिज है, AC है, वॉशिंग मशीन है, इंडक्शन है, तो इनको कोई बहुत हाई करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 1C 2C तक भी अगर आपके पास सेल आप यूज कर रहे हैं, तो आपका जो सेल है वो परफेक्टली वर्क करता रहेगा। अब जो लिथियम फेरोफॉस्फेट की लाइफ है वो है 2000 साइकिल, तो मतलब लिथियम आयन की लाइफ है 1000 साइकिल, लिथियम फेरोफॉस्फेट की लाइफ है 2000 साइकिल, मतलब जस्ट डबल। लेड एसिड की 700, तो मतलब लेड एसिड से कंपेयर करेंगे तो 3 गुना, पर रेट अगर आप मैक्सिमम 2 गुना भी मान लेंगे तो 1 टाइम का आपको फायदा मिल जाएगा। मतलब कि लेड एसिड बैटरी आपकी 10,000 की, लिथियम फेरोफॉस्फेट की बैटरी आपकी 20,000 की भी अगर आप मान लेते हैं, तो भी आपको फायदा है, क्योंकि आपकी वो चलेगी 3 गुना लेड एसिड से, मतलब कि 30,000 रुपये का काम आपको 20,000 रुपये में हो गया। तो आपको यहाँ पे लिथियम फेरोफॉस्फेट के साथ में आपको फायदा मिलने वाला है, और लिथियम आयन के साथ आप जाते हैं तो आपका पैसा उतना ही लगेगा, पर आपको मैक्सिमम एडवांटेज नहीं मिलेंगी। तो बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में लिथियम आयन के साथ में कर देते हैं, लिथियम आयन के जो कि सेल हैं वो भी सस्ते होते हैं तो बैटरी बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा कि आप अगर खुद से भी बनाना है आपको या लेना है, आपको जानकारी का अभाव है, तो आप लिथियम फेरोफॉस्फेट के साथ में जाएं। अभी मार्केट में इससे ऊपर भी बैटरी और सेल आपको मिल जाएंगे, तो वो सभी अभी रीयूज सेल इंडिया में आ रहे हैं, फ्रेश सेल नहीं है, और फ्रेश सेल हैं तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 10 गुनी ज़्यादा है, तो अभी एक नॉर्मल अफोर्डेबल प्राइस नहीं है। अगर आप लिथियम फेरोफॉस्फेट से ऊपर का सोच रहे हैं तो अभी मत सोचिएगा, क्योंकि इंडिया में अभी जो है वो फ्रेश उसका स्टॉक जो है वो अवेलेबल नहीं है और ना ही आ रहा है, सब यूज चीज़ें आ रही हैं और अभी प्राइसिंग भी ज़्यादा है। आप लोगों को एक चीज़ और मैं साथ ही साथ क्लियर कर दूँ कि अभी तक जितने भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपनी लिथियम आयन बैटरी की रीसेल वैल्यू की कोई गारंटी नहीं लेते हैं। मतलब कि आपकी बैटरी जब भी ख़राब हो जाएगी तो उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, आपकी बैटरी वो ख़राब हो गई आपको कबाड़े में फेंकनी पड़ेगी। पर पहली बार नेक्सस की अगर आप लिथियम आयन बैटरी लेते हैं तो नेक्सस अपनी बैटरी को 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे वापस ले रहा है। मतलब कि आपकी बैटरी ख़राब हो गई तो आप 50% आप पैसे दे के बैटरी की जो MRP है आप नई बैटरी ले सकते हैं। तो आपको अगर लिथियम आयन की बैटरी लेनी है, बनानी है, तो आपको कोई भी आज की डेट में आपको डाउट रखने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बैटरी जो है उसकी कोई रीसेल वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, लेड एसिड की आपको रीसेल वैल्यू मिल जाएगी। आप बिना हिचके नेक्सस की लिथियम आयन बैटरी को अपने डोमेस्टिक एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास में अगर नॉर्मल इन्वर्टर भी है तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि आपकी नॉर्मल बैटरी के हिसाब से भी हम आपको लिथियम आयन बैटरी डिजाइन करके दे देंगे। तो उसके लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं या हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी वेबसाइट पे भी हमारे सेल्स मैनेजर्स के नंबर हैं, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप हमारे सेल्स मैनेजर को कॉल कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सभी डाउट्स लिथियम आयन से रिलेटेड जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके सवालों के आंसर करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।